पबजी मोबाइल लाइट में आप कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने कंट्रोल्स को, वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और उससे पहले यार हैप्पी दीपावली, और आप मुझे यार कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग ने पटाखे लिए हैं कि नहीं लिए। मैंने इस बार नहीं लिए, मैंने 2 साल से लगातार कोई भी पटाखे नहीं ले रहा हूँ, पर इस बार बहुत मन कर रहे हैं यार पटाखे लेने को, और कुछ समझ में नहीं आ रहा लूँ कि ना लूँ। फिर आप यार अपना बताओ यार, आप लोग ने पटाखे लिए हैं कि नहीं लिए हैं यार, प्लीज़ यार कमेंट में बताना। अगर आप लोग ने लिए होंगे तो मैं भी जाके ले आऊँगा, कम से कम 400-500 का पटाखे तो मैं भी ले आऊँगा, तो यार बताना जरूर कमेंट में, ठीक है। और चलो अब हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं, और कैसे कस्टमाइज़ आप कर सकते हो अपने कंट्रोल्स को, वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को तो लाइक कर ही देना, और कोई भी भाई मेरे इस चैनल पर नया आ गया और सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो यार आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपका भाई हमेशा आपके लिए यूज़फुल वीडियो लेके आता रहता है। और आज लाइव कन्फर्म है, आज मैं लाइव करने वाला हूँ, तो इसलिए भी यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो लोग नए हो, और वीडियो को पसंद आए तो यार लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको चले जाना है सेटिंग्स वाले ऑप्शन में, फिर उसके बाद आपको कंट्रोल्स का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, उस पर चले जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ कस्टमाइज़ का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा नीचे साइड, आपको उस पर प्रेस कर देना है। तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से आप कोई भी अपने कंट्रोल्स को ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते होगे, जैसे कि मान लो फायर वाला बटन को आपको थोड़ा पास रखना है, अपने अंगूठे के पास में रखना है तो आप पास कर सकते हो, दूर रखना है तो दूर कर सकते हो, इसे बड़ा कर सकते हो। और मैंने बड़ा ही कर लिया है, बड़ा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं अपने अंगूठे से प्रेस करता था तो मेरा अंगूठा कहीं और प्रेस होता था और फायर वाले बटन पर प्रेस नहीं हो पाता था, इसलिए मैंने इस बार फायर वाला बटन ही को इतना बड़ा कर लिया कि मैं कहीं पर भी प्रेस करूं तो फायर ही वाला बटन प्रेस हो जाए। तो इसलिए आप भी अपने हिसाब से अगर आप ये वाला फायर वाला बटन दबाते हो और आपसे भी ऊपर नीचे वाले बटन दब जाते हैं तो फायर वाले बटन को थोड़ा सा ऊपर कर लो, थोड़ा बड़ा कर लो, जिससे कि आप आराम से अपना फायर वाला बटन दबा सको, ठीक है। ये फायर वाला बटन कहाँ, एम वाला बटन बड़ा हो गया, जैसे आप फायर वाला बटन बढ़ा सकते हो, यहाँ से बढ़ा सकते हो जहाँ लिखा है बटन साइज़, ठीक है। यहाँ से ऊपर नीचे आप छोटा बड़ा कर सकते हो, तो अपने हिसाब से आप चूज़ कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से आप बहुत से कंट्रोल्स को ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर बहुत लोग के जो नाम आते हैं प्लेयर वन जो प्लेयर टू, उसको भी आप ऊपर नीचे थोड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से, तो ये तो मुझे सही लगता है। बस मुझे एम और फायर का सही मिल जाता है तो मुझे तो सही कंट्रोल्स लगता है, और कोई दिक्कत नहीं लगती। आप भी अपने हिसाब से कोई भी कंट्रोल्स को चेंज कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो, जैसे मैंने सारे कंट्रोल्स ज़्यादातर चेंज कर लिए हैं। चेंज इसलिए मैंने किए हैं क्योंकि जो पहले वाले कंट्रोल्स होते थे मैं ढंग से पहुँच नहीं, मतलब कि अंदाज़ा नहीं लग पाता था, अब इन कंट्रोल्स को मैंने इतने चला लिए हैं कि मेरा अंदाज़ा अब हो गया है। तो आप भी ऐसे अपने कंट्रोल्स को चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप अपने हिसाब से कंट्रोल्स चेंज कर लोगे, अब आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, सेव भी कर सकते हो। अगर आपको सेव नहीं करना है तो यहाँ रीसेट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, उस पर भी आप प्रेस कर सकते हो, या तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। एग्जिट में अगर आप जाओगे तो आपसे पूछेगा सेव करना है कि डोंट सेव, ठीक है। आपको डोंट सेव करना हो तो डोंट सेव, अगर सेव करना हो तो सेव कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप सेव कर लोगे अब आपका ये कंट्रोल जो आपने सेट किया है वो सेलेक्ट हो चुका होगा। अब आप गेम खेलोगे तो गेम के अंदर वैसे ही आपको कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, जैसे अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इस लोडिंग को हो जाने देते हैं और फिर मैं आपको अपने कंट्रोल्स दिखाने वाला हूँ कि बड़े हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो ये लोडिंग फिनिश हो चुकी है, और जैसा कि आप देख रहे हो जो मेरा घूसा वाला जो आइकन आपको देखने को मिल रहा है वायर वाला, वो पहले से मतलब बड़ा हो चुका है, क्योंकि मैंने ही इसे खुद बड़ा किया, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सिंपल लग रहा है सच में यार, क्योंकि अब घूसे का आइकन थोड़ा बड़ा है तो अब मैं कहीं पर भी प्रेस करूँ तो यार घूसे ही वाला फायर ही वाला बटन दबने वाला है और सामने वाला बंदा मर जाएगा सच में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दो, और भाई के चैनल पर एक भी भाई मेरा नया आ गया और सब्सक्राइब नहीं किया तो यार भाई के चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आपका भाई हमेशा आपके लिए वीडियो लेके आता रहता है। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए कमाल की वीडियो में।